ग्लोबल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना अभी तक इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हम इसमें और इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, हमारी वाटर बॉडी श्रिंक हो रही है। अगर आप देखेंगे ज़मीनी सतह पे जहाँ पर हमारे लोग इस टाइम बीमारियों से पीड़ित है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पहला फैक्टर हम दोषी खुद को ठहराएं या मौसम को ठहराएं। अब कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ड्राई स्पेल की अगर हम बात करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर आप देखिए कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, हॉर्टिकल्चर कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि देर शुड बी सम अदर वे जहाँ पर हम इन चीज़ों को बचा सकें। ड्राई स्पेल चल रहा है तो ये एक अलार्मिंग आप इसे कह सकते हैं सिचुएशन है, क्योंकि जो CFCs का इमिशन ऑल ओवर द ग्लोब हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में या डेवलपमेंट के चक्कर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं इसने एनवायरनमेंट को जो है हार्म कर दिया। और ये क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ही डेंजरस है, ख़ासतौर पर अगर कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पर ग्लेशियर्स को रिचार्ज होना चाहिए हर साल जो स्नोफॉल की वजह से होता था, या हमारे आप देख लीजिए पावर प्रोजेक्ट कितने हैं, तो जब जल में पानी है ही नहीं, जब दरियाओं में जब ग्लेशियर्स रिचार्ज होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है उसका तो बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे भी इश्यूज आते हैं, और पावर प्रोजेक्ट मैंने आपका बताया, पावर प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे जो दूसरे स्टेट्स वगैरह में जाती है बिजली यहाँ से, तो इम्पैक्ट ये करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अभी देखो मौसम पूरा मुसलसल ड्राई चल रहा है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर लास्ट 45 डेज से, और ऐसे में कल 16 को जैसे ऑलरेडी फोकास्ट है हमारा एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण कुछ एक हायर रिस्क में, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के, सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक हायर रिस्क में, और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी कुछ एक हायर रिस्क हैं, सेंट्रल कश्मीर के भी जो पहाड़ी इलाके लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी इन सारे हायर रिस्क में, और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी थोड़ा सा लाइट रेन ड्रिजल हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, कोई मेजर स्पेल इसमें नहीं होगा। और जो बाकी जो मैदानी इलाके हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेन्स या बाकी जो हिली एरियाज ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन है, तो उसमें जो है आपका वेदर अमूमन क्लाउडी रहेगा, लेकिन कोई बारिशों के इम्कान ज़्यादा नहीं है। फिर 20th को जो है नेक्स्ट फीबल WD उसमें थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है, कुछ एक हायर रिस्क है वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल नहीं है 24 तक। और 25th से जो डिफरेंट मॉडल्स के इंडिकेशंस हैं, थोड़ा सा वेट स्पेल की पॉसिबिलिटी है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और कमिंग डेज में हम इसमें और मोर क्लियरली एंड प्रिसाइसली बता पाएंगे, लेकिन जो अर्ली इंडिकेशंस हैं थोड़ा सा जो बर्फ़बारी या बारिशों के हवाले से वो थोड़ा सा लग रहा है जो अभी के जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, तो कमिंग डेज में हम इसमें और प्रिसाइसली बता पाएंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा सिस्टम का, और किन किन जगहों पर बर्फ़बारी हो सकती है, तो इसमें और प्रिसाइसली बता पाएंगे आने वाले दिनों में।